डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब रासायनिक साम्य में गति की प्रवृत्ति। बात किसकी कर रहे हैं अपन, केमिकल इक्विलिब्रियम की कर रहे हैं, यानी रासायनिक साम्य की बात कर रहे हैं। और रासायनिक साम्य में किसकी बात कर रहे हैं आज हम लोग, डायनेमिक नेचर की, यानी उसमें किसकी बात होगी, गति की प्रवृत्ति की बात होगी। अब डायनेमिक नेचर क्या होता है उसकी तरफ हम चलते हैं और समझते हैं कुछ रिएक्शन को। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी, हमारे पास में हाइड्रोजन एक गैस है, उसकी रिएक्शन हमने आयोडीन के साथ करी, आयोडीन भी एक गैस है, दोनों गैस की रिएक्शन करी और रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में फॉर्मेशन हो गया हमारे पास में किसका, 2HI का फॉर्मेशन, क्लियर है ना, HI बन गया। अब ये जो HI का फॉर्मेशन हुआ, और हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। अब इस HI को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि जब तक किसी रिएक्शन की बात की जाए, किसी रिएक्शन को हम डिस्कस करें, तो हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कब डेवलप होगा, यानी ये रासायनिक साम्य अवस्था है, ये जो तीर का निशान दिख रहा है आपको, ये कब बनेगा, इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए, ठीक है ना, कोई समय होना चाहिए ना, कैसे बन जाएगा, तो कब बनता है, तो इसका मतलब ये है कि जब क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट और उत्पाद यानी प्रोडक्ट, इन दोनों की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्लियर है। तो पहली कंडीशन ये है कि क्रियाकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी जाके इक्विलिब्रियम कंडीशन अर्थात साम्यावस्था निर्मित होगी, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन तो हमने यहां पर बात कर ली कि क्या होना चाहिए, दोनों का कंसंट्रेशन एक जैसा होना चाहिए। आगे बात करें, यहां पर हम कह रहे हैं कि रिएक्शन चल रही आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसको हम लोग अग्र अभिक्रिया कहते हैं, और यदि पीछे जा रही तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी इसे कहेंगे हम लोग पश्चाभिक्रिया। तो यहां पर कल हम लोगों ने जो बात करी थी उसमें अग्र अभिक्रिया की रेट और पश्च अभिक्रिया की रेट, यानी कि रेट जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्लियर है। तो उनकी रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी दोनों दिशाओं में समान होना चाहिए, यानी कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और दूसरी बात में उसकी रेट भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब हुआ क्या, उसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं, हमने एक उदाहरण लिया, एक एग्जाम्पल लिया किसका, हाइड्रोजन और आयोडीन। अब हम हाइड्रोजन और आयोडीन का जब एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, उसकी तरफ चल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में जो रिएक्शन हो रही है, हम ये जो रिएक्शन हमारे पास हुई, इस रिएक्शन में क्या हुआ उसको देखना है। इस रिएक्शन को हम लोग करें कि शुरुआत में जब ये हमारे लिए क्रियाकारक था यानी रिएक्टेंट था शुरुआत में, तो इसकी कंसंट्रेशन यानी इसकी सांद्रता ज्यादा थी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, क्लियर है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं कि 100% था, ठीक। उस समय बाद जब रिएक्शन चलना प्रारंभ होगी तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, कब मैं कह रहा हूं कि जब मेरे पास समय t=0 था, तो जब टाइम t=0 था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100% था और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मेरे पास में 0% था। किंतु क्या हुआ उस समय बाद t=t पर क्या हो गया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहां पर कम होने लग गया, सपोज 50% रह गया, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़कर कितना हो गया 50% समय के साथ साथ। तो हम ये कह रहे हैं कि जब कोई रिएक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चलती है तो हमेशा हम कहा जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, आगे की तरफ चलती है, ठीक है। अब जब ये इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो गया, तो इक्विलिब्रियम बन जाता है, तो हम क्या बोलेंगे ऐसी कंडीशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना कितना हो जाएगा, 50-50% हो जाता, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन के लिए एक वर्ड आता है, वो आता है डायनामिक नेचर, जिसको हम बोलते हैं साम्य में गति की, यानी रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में चलेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में चलेगी। हम लोग भी किसके रिस्पेक्ट में चलते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में चलते हैं ना, जैसे मेरे लेक्चर का टाइम हो गया तो हम लोग आ जाते हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में चल रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चल रही है। अब हुआ क्या, हमने कहा कि भैया हम तो हाइड्रोजन के प्लेस पर ड्यूटेरियम लेकर आ जाए,
क्या लेके आ गए, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लेके आ गए। तो क्या रिएक्शन की टाइमिंग में चेंज आएगा क्या? तो बिल्कुल चेंज तो थोड़ा बहुत तो आएगा, पर ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा चेंज इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि रिएक्शन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के स्थान पर आयोडीन पे डिपेंड करने लग जाएगा। इसलिए रिएक्शन जैसे ड्यूटेरियम गैसीय स्टेट में, ये भी गैसीय स्टेट में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2DI बन जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड था या ड्यूटेरियम आयोडाइड बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये इसका आइसोटॉप्स कहलाता है, इसका समस्थानिक कहलाता है। तो ऐसी रिएक्शन, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में हो या आइसोटॉप्स कंडीशन में, यानी सामान्य अवस्था में हो या फिर आइसोटॉप मतलब समस्थानिक अवस्था में हो, ऐसी रिएक्शंस को यदि हम उसकी स्पीड का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, डायनामिक नेचर, यानी उसकी गति की बात करते हैं। अब इसी रिएक्शन को मैं ग्राफ के द्वारा बताने की कोशिश करूँ कि ग्राफ के द्वारा कैसे बता देते हैं। देखो, हम ग्राफ के द्वारा भी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ग्राफ के द्वारा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिया कंसंट्रेशन, यानी कि हिंदी में कहें तो सांद्रता, यहाँ पर भी लिया आपने कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, यहाँ पर सेंटर में बना दिया आपने इक्विलिब्रियम, हिंदी बोले तो साम्य अवस्था, ये जो डैश लाइन है, ये बात हो रही है टाइम की, ठीक है, और इधर भी बात कर रही है हम टाइम की, यानी कि समय की बात। अब ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, देखो उसकी तरफ, हम ये कह रहे थे कि शुरुआत में इधर की तरफ 100% कंसंट्रेशन और यहाँ पे कंसंट्रेशन 0%। शुरुआत में हाइड्रोजन और आयोडीन का कंसंट्रेशन 100% था, क्लियर है। तो जैसे जैसे रिएक्शन कहाँ जा रही है, इक्विलिब्रियम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो यहां पर कंसंट्रेशन कितना हो गया इसका, 50%। पर यदि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन क्या हो गया इसका, 0%। अब आगे चलते, सपोज मेरे पास में प्रोडक्ट शुरुआत में यहां पर HI बनाता, इसका कंसंट्रेशन 100% था, ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम में जा रही है तो रिएक्शन इसको क्रॉस होते हुए जाएगा, ठीक है, और वापस जब इसको क्रॉस होते हुए जाएगी और प्रोडक्ट बनेगा तो किधर चला जाएगा, 0 की तरफ चला, क्लियर है। यदि इक्विलिब्रियम है तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, मतलब उसकी गति के आधार पर बात करें, डायनेमिक नेचर के बेसिस पर। बट यदि हम रिएक्शन को किधर ले जा रहे कि भैया हम इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को कुछ देर के लिए छोड़ दें, डिस्टर्ब कर दें, तो रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो रिएक्शन जो होगी हम कह रहे हैं कि 100 से 0 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और इधर H और I2 क्या हो जाएगा, 100 से 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ के द्वारा हम बता सकते हैं इस रिएक्शन में कौन सी स्पीड से चल रही है और किसके रिस्पेक्ट में चल रही है, तो भी हमने कहा टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्शन चल रही है, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्लियर है यहां तक। चलें अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया है?